हमारा ये संस्कृति, ये हमें घूंघट भी हम बाहर निकल सकते हैं बहुएं, और हमारे समाज में ऐसा है कि बहुओं को आगे बढ़ाया जाता है, घूंघट हो चाहे कुछ भी, पर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ों बुजुर्गों का कायदा बना रहे और हमारी संस्कृति जिंदा रहे, बहुत अच्छी बात है। हमको फ्रीडम मिलती रहे आगे से आगे। घूंघट है तो क्या, वो बाहर तो जाने को मौका मिलता है ना। घूंघट में बाहर आ रहे हैं, लगा था घूंघट में जाके खेलेंगे इतने लोगों के सामने। आने की बात पता चला है, बाहर भी आना चाहिए, घर के अंदर ही सब कुछ नहीं है, बाहर आने के बहुत देखने। आजकल की बेटियां जो होती है घूंघट नहीं निकालती है, जींस टॉप में आती है ना, आप घूंघट में क्या मैसेज देना? महिला शक्ति को अंदर नहीं रखना चाहिए, घूंघट निकाल के भी आओ। घूंघट ही हमारी शान है, सब कुछ संस्कृति हमारी। दोस्तों, राजस्थान के बालोतरा में सांसद गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें 100 से अधिक जो है वो टीमें आई है, लेकिन एक टीम ऐसी हमने नजर पड़ी है जिसमें आप जो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक वेशभूषा, मारवाड़ की वेशभूषा के साथ साथ घूंघट ओढ़ करके यहाँ पर पहुंची है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? मेरा नाम ललिता है, हमारा ग्रुप का नाम माली समाज महिला मंडल गांधीपुरा बालोतरा से है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये संस्कृति, ये हमें घूंघट में भी हम बाहर निकल सकते हैं बहुएं, और हमारे समाज में ऐसा है कि बहुओं को आगे बढ़ाया जाता है, घूंघट हो चाहे कुछ भी, पर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों में यहाँ आने के बाद, क्या क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आने के बाद पता चला है बाहर भी आना चाहिए, घर के अंदर ही सब कुछ नहीं है, बाहर आने के बहुत देखने। अच्छा, घूंघट में बाहर आ रहे हैं, लगा था घूंघट में जाके खेलेंगे इतने लोगों के सामने? हम घूंघट के साथ ही खेलेंगे, घूंघट हटा के हम नहीं खेल सकते। अच्छा, क्यों घूंघट जरूरी है आप लोग को क्यों लगता है? क्योंकि बड़ों बुजुर्गों का कायदा बना रहे और हमारी संस्कृति जिंदा रहे, बहुत अच्छी बात है। हमको फ्रीडम मिलती रहे आगे से आगे, घूंघट है तो क्या, वो बाहर तो जाने को मौका मिलता है ना, इसलिए। तो आज क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद, कितना अच्छा कार्यक्रम है, क्या और भी आगे आओ, महिला शक्ति को अंदर नहीं रखना चाहिए, घूंघट निकाल के भी आओ। अच्छा, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी बुजुर्गों की संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, और हमें आगे पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें घूंघट में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? कुछ हमारी महिला राजस्थानी ये संस्कृति है, और इस हम महिला शक्ति बाहर जा। अच्छा, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे घूंघट को लेकर, क्या कहना है? घूंघट ही हमारी शान है, सब कुछ संस्कृति हमारी। अच्छा, आजकल की बेटियां जो होती है घूंघट नहीं निकालती है, जींस टॉप में आती है ना, आप घूंघट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे बूढ़ों की इज्जत करना चाहते। बिल्कुल, आप बताएं क्या कहना है आपका? हम अपनी मर्यादा में अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, आप बताएं क्या कहना? हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। संस्कृति जिंदा जरूरी है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मारवाड़ी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, संस्कृति को जिंदा रखना है। तमाम मैसेज आपका यही है कि भाई हाँ, हम घूंघट में आएंगे, संस्कृति हमारी जिंदा रखना चाहिए। हम हमारे आगे वाले आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारे मर्यादा में रहे, जैसे आप भी अपने मर्यादा में रहे। बिल्कुल, आज हम लोग देखते हैं कि कई सारी बेटियां होती हैं वो जींस में, टॉप में, इस प्रकार का नृत्य वगैरह होता है, हालांकि कपड़े सबको पहनने चाहिए, लेकिन उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपना कल्चर को बनाए रखिए और अपनी इज्जत को बनाए रखिए, और घूंघट ही हमारी इज्जत है और हमारा राजस्थान की शान है। राजस्थान की शान है घूंघट, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। संस्कृति को जिंदा, कितना अच्छा लग रहा है घूंघट में आकर के, पारंपरिक वेशभूषा में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं बहन जी क्या कहना चाहेंगे आपको? अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं, मैसेज रहते हैं घर में भी, बेटियों मैसेज देना चाह रहे की संस्कृति है अच्छी है, मतलब आज का आधुनिक रहना अच्छी बात है, युग अपनी जगह है, संस्कृति। मुझे मेरी वेशभूषा पर बहुत गर्व है और आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ कि सभी ऐसे ही घूंघट बनाए रखे और अपने बच्चों को भी सिखाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो बहनें हैं इनका एक ही कहना है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कैसे जिंदा रहे, हमारी जो है परंपराएं वो कैसे जिंदा रहे, तमाम जो बातें हैं वो कहना चाहेंगे। आप बताएं, अब आखिरी मेरा सवाल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैसेज ये देना चाहूंगी, अपने जो भी औरतें हैं या घर में बहू बेटियां हैं, उसको भी हुनर होता है हर चीज का, घूंघट में होते भी है, और संस्कृति भी अपनी जिंदा रखिए और बाहर निकले और कुछ करिए। बिल्कुल, आप ये देखिए तमाम जो टीमें हैं जिन्होंने मैसेज दिया है कि संस्कृति जरूरी है।